आज हम इस तरीके से पुरानी साड़ी से बहुत ही सुंदर डोरमेट बनाना सीखेंगे। ये पुरानी जो जॉर्जेट वाली साड़ी होती है पतली वाली, वो साड़ी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी साड़ी हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये साड़ी यूज़ कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से ये जॉर्जेट वाली साड़ी है, तो इसी से मैं बनाऊँगी और बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे बनाएँगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जैसे एक साड़ी ले ली मैंने, जैसे इस तरीके से ये लंबाई में पूरी साड़ी है, इसमें से हमें छोटी छोटी स्ट्रिप्स कटिंग करनी है। स्ट्रिप्स हमें कितने कितने इंच की कटिंग करनी है, 3-3 इंच की हमें इसमें से स्ट्रिप कटिंग करनी है। तो इस तरीके से 3 इंच पे मैं कट का निशान लगाऊंगी। ये मैंने कट का निशान लगा लिया और इसे पूरा लंबाई में अलग कर लीजिए। ये मैंने इसे पूरा अलग कर दिया, तो ये मैंने एक स्ट्रिप कटिंग करी है। इसी तरीके से इसमें से और स्ट्रिप्स कटिंग करेंगे हम। तो एक कटिंग कर ली, तो इसी तरीके से इस पूरी साड़ी में से हमें स्ट्रिप्स कटिंग करनी है, 3-3 इंच की कटिंग कर ली। अब 3 स्ट्रिप लीजिए, 1, 1, 2 और 3। अब 3 स्ट्रिप लेनी है इस तरीके से। ये मैंने 3 स्ट्रिप ली, तो इस तरीके से डोर के साइड में हैंडल होता है, तो ये मैं तीनों स्ट्रिप यहाँ पे इस तरीके से बांधूंगी। टाई कर दिया। अब नॉर्मल जैसे गुद बनाते हैं वैसे ही हम इसमें से इसकी गुद बनाएंगे ऐसे। इस तरीके से, बस इसी तरीके से पूरी ये जो लड़ी है इसकी पूरी गुद बना लीजिए। ये देखिए, जो साड़ी से लंबी स्ट्रिप कटिंग की थी उससे एक लंबी सी लड़ी मेरी बन गई है। अब इसमें आगे लड़ी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया, तो मैं इसमें आगे ज्वाइन कर लूँगी। तो ये मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया दोबारा से क्लोथ वाले कैप से। अब हम इसमें आगे पट्टियाँ ज्वाइन करेंगे। पट्टियाँ कैसे ज्वाइन करने हैं देखिए, इसमें थोड़ा सा और बना लेती हूँ। तो अब हम ज्वाइन करना शुरू करते हैं। पहली पट्टी हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं इस पर। तो ये मैंने पट्टी रखी इस तरीके से इसके अंदर को करते हुए, और इसे साथ में ही हम इसके बुन लेंगे। तो मेरी एक ज्वाइन हो गई, अब यहाँ पे हम दूसरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो दूसरी पट्टी लेंगे, इसी के साथ रखते हुए हम इसे भी साथ ही में इसके बुन लेंगे। तो हमारी पट्टी भी जुड़ गई और मैंने बुन भी लिया। अब तीसरी यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ पे भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे ही आपको ज्वाइन करना है, इससे आपका जोड़ नहीं दिखाई देता और जोड़ ज़्यादा मोटा सा भी नहीं बनता। तो इसी तरीके से जोड़ते हुए लंबी लंबी साड़ी में से पूरी आपको लड़ियाँ बनानी है। तो यहाँ पर मेरी दूसरी ख़त्म हो गई, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं तीसरी पट्टी ज्वाइन कर लूँगी। ये मैंने रखी इसके अंदर और ये मैंने थर्ड वाली भी ज्वाइन कर। बस इसे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है आपको। ये देखिए इस तरीके से इसको निकाला, इतना बनाने के बाद वापस इसे लगा दिया और इसे फिर से बुन लीजिए। तो इसी तरीके से लंबी लंबी लड़ियाँ बनी। इस तरीके से साड़ी से मैंने लड़ियाँ रेडी कर लिया, एक लंबी लड़ी रेडी कर लिया। इसके बीच में कोई भी जोड़ नहीं है, एक तरफ से लेके पूरा लंबाई में पूरी लंबी लड़ी है ये। तो ये लड़ी हो गई मेरी इस तरीके से। और हमें क्या चाहिए, जिस भी साइज़ का आप मैट बनाना चाहते हैं उस साइज़ का हमें बेस चाहिए। जितने बड़े साइज़ का आप बेस लेंगे उतना ही बड़ा आपका मैट बनेगा। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आपको बेस लेना है अपने हिसाब से। तो इस तरीके से मैंने बेस ले लिया।
इसके लिए मैं सिंपल सिलाई मशीन यूज़ करूँगी। यहाँ पे इसे 5 नंबर पे रखना है, सिंपल सिलाई मशीन है, यहाँ पे आपको 18 नंबर की नीडल यूज़ करनी है। तो चलिए हम इसे बनाना, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेस लिया उसे मैंने चारों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करके फिनिश कर लिया है। तो चारों तरफ से इसे फोल्ड करके पहले फिनिश कर लीजिए। फिनिश करने के बाद यहाँ से एक तरफ से हम इसमें लड़ियाँ लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 1/2 इंच का आपको डिस्टेंस यहाँ से छोड़ना है, 1/2 इंच का डिस्टेंस यहाँ से छोड़ना है, क्योंकि हम इसमें बॉर्डर लगाएंगे बाद में। तो इस तरीके से मैंने लड़ी का एक टुकड़ा लिया, यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा काट दिया जहाँ से हमने इसे बनाना स्टार्ट किया था, यहाँ पर इसे रखना है और पूरा लंबाई में हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ से इसे शुरू करते हैं। 1/2 इंच का डिस्टेंस मैंने ऊपर छोड़ दिया है, 1/2 इंच का इस तरफ छोड़ दिया। 18 नंबर की नीडल ली है, बहुत ही इजीली इसमें हमारी सिलाई लग जाती है। लड़ी के सेंटर में आपको सिलाई लगानी है। ये एंड तक मैंने सिलाई लगा ली। एंड तक सिलाई लगाने के बाद इसे आपको घुमा लेना है, टर्न कर लेना है, और ये जो लड़ी है इसे भी एज इट इज यहाँ को टर्न कर लेना है। तो मेरी एक रो बन गई, अब हम सेकंड रो बनाएंगे। मैंने टर्न कर लिया, ये देखिए इस तरीके से बहुत ही ईजिली इसमें सिलाई लग जाती है, और ये मजबूत भी काफ़ी बनेगा क्योंकि हम सिलाई मशीन से कर रहे हैं, तो आप इसे मशीन वॉश भी कर सकते हैं। इसे इसके साथ साथ जोड़ते रहना है और इस पर सिलाई लगा। मैं यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे इसे फिर टर्न कर लीजिए। टर्न कर लिया, अब मेरी इसमें थर्ड रो बन रही है। तो ये मेरी इसमें थर्ड रो बन रही है। बस इसी तरीके से यहाँ तक एंड तक इसे पूरा फिल कर, ये देखिए मैंने इसे इतना भर लिया। तो जैसे जैसे हम बनाते रह रहे इस तरीके से हमारा ये बनता रह रहा है, इस तरफ से इस तरीके से और यहाँ से ऐसे, और ये काफ़ी अच्छा, इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी बन रही है हमारी। बस इसी तरीके से हमें इसे पूरा फिल करना है। बॉर्डर बनाने के लिए इस तरीके से लड़ी लेनी है, और ये जो हमने साइड में यहाँ पर छोड़ा हुआ है यहाँ से ले जाना है, फिर इसे साइड में इस तरीके से ले जाना है और ऐसे इसका बॉर्डर बनाना है। तो आप 1 का बॉर्डर बना सकते हैं, यहाँ पर 2 लड़ियों का बॉर्डर बना सकते हैं। तो यहाँ से इसे लगाना शुरू करके जो साइडों साइडों में स्पेस है यहाँ पे इसे लगा लीजिए। देखिए मैंने इसके साइड में इस तरीके से एक लाइन बॉर्डर की लगा दी है, तो साइडों से फिनिश हो गया मेरा। इस तरीके से फ्रंट साइड, बैक साइड, नीचे की तरफ से तो बिल्कुल रेडी हो गया। आप इस तरीके से इसे लंबाई में और भी लंबा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बस आपको बेस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। जितना बड़ा बेस रखेंगे आपका उतना बड़ा ये मैट बनेगा।